कश्मीर श्री विवेक गुप्ता सर आईपीएस, इनकी कयादत में जे एंड के पुलिस ने सिलीकोट इलाके में, जो कि एक बॉर्डर का इलाका है, फॉरवर्ड एरिया है, वहां पर आवाम के लिए एक फ्री मेडिकल कैंप का आगाज़ किया है। ये मेडिकल कैंप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बॉर्डर आउटरीच प्रोग्राम का एक हिस्सा है, जिसमें कि सरकारी इदारों के मुख्तलिफ अफसरान अलग अलग बॉर्डर एरियाज़ में लोगों से जाकर मिल रहे हैं और उनके सहूलियात के मुद्दों पर जो है उनसे बातचीत कर रहे हैं। इसी प्रोग्राम के तहत आज का ये फ्री मेडिकल कैंप यहाँ पर मुनक्कद किया गया है। इस कैंप का यही मकसद है कि फॉरवर्ड इलाके के जो भी दूर दराज के रहने वाले जो हमारे भाई बहन हैं, उन तक हेल्थ की इम्पॉर्टेंट मैसेज पहुँचाई जाए और उनके जो भी छोटे मोटे मसाइल हैं स्वास्थ्य रिलेटेड, उस पर डॉक्टर्स और एक्सपर्ट्स का जो है ओपिनियन लेकर अगर वो बीमारी यहाँ पर हल होने लायक है तो उस पर जो है तुरंत कार्रवाई की जाए। अगर वो और किसी बड़े लेवल पे उसको एस्केलेट करने की ज़रूरत हो तो वहाँ पर रेफ़र किया जाए। मकसद यही है कि लोगों तक जो है स्वास्थ्य की जो है जानकारी पहुँचाई जाए और उनकी जो भी छोटी मोटी बीमारियाँ हैं, दिक्कतें हैं, उन पर कोई ना कोई कार्रवाई की जाए। तो आज का ये कैंप बड़ा सक्सेसफुल है, लोगों ने भी बढ़ चढ़ कर इसमें हिस्सा लिया है, हमें बहुत खुशी है इस बात। सर, ड्रग माफिया के लिए कोई मैसेज रहेगा आपका? देखिए, ड्रग्स एक बहुत बड़ा चैलेंज है हमारे लिए, और क्योंकि उड़ी जैसा इलाका जो कि एक बॉर्डर एरिया है, यहाँ पर अक्सर जो है हमें क्रॉस बॉर्डर स्मगलिंग का एक बड़ा सामना करना पड़ता है। लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि जे एंड के पुलिस की एक सस्टेंड कैंपेन के तहत पिछले 6 महीनों में जो भी कार्रवाई बारामूला पुलिस ने यहाँ पर की है, उसके तहत बहुत बड़े पैमाने पर ड्रग्स स्मगलिंग पे जो है नकेल कसी गई है। और मैं आपकी वसादत से सारे ड्रग पेडलर्स को ये एक वार्निंग देना चाहता हूँ कि वो अपनी हरकतों से बाज आ जाए, क्योंकि अगर तो आप ने अभी तक हवालात का मजा नहीं चखा है तो बहुत जल्द जो है आपको उससे नवाजा जाएगा। बारामूला पुलिस आपको बख्शने वाली नहीं है, बेहतर होगा कि आप अपनी हरकतों से बाज आए। सर, व्हेन वी टॉक अबाउट ड्रग, वी जस्ट नोटिस दैट डे बाय डे द यूथ इज गेटिंग इन्वॉल्वड, एंड स्पेशली व्हेन वी टॉक अबाउट द उड़ी, ए मिनी टाउन और वी कैन से बॉर्डर टाउन, द यूथ इज डे बाय डे गेटिंग इन्वॉल्वड इन वी कैन से सच अ डिजीज। सो डू यू हैव सम स्पेसिफिक स्ट्रेटजीज? डू यू हैव? यस, वी हैव अ टू प्रॉन्ग स्ट्रेटजी टू काउंटर दिस प्रॉब्लम। द फर्स्ट स्ट्रेटजी इज टू कर्ब डाउन द सप्लाई साइड, एंड एज यू आर वेल अवेयर दैट वी हैव रजिस्टर्ड अराउंड 187 FIRs in NDPS Act in last 6 months and have arrested around 318 drug peddlers, out of which there are 34 such drug peddlers who are very hardcore and habitual, and we have booked them under P10DPS PSA. And the second part of the strategy is to curb the demand side. And to curb the demand side, we have been undertaking sustained awareness programs vis-a-vis drug menace. We also run, police especially runs a drug de-addiction center in Baramulla. There are other police drug de-addiction centers in Srinagar and in Anantnag as well. So our strategy is to curb the demand side and also to decrease the supply. And we are working simultaneously on both the fronts, and I'm very hopeful with the active cooperation of the people, we'll be able to meet the success soon and we'll be able to declare Baramulla a drug-free district.